हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मैं हूं राहुल, और आज की खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको हरिद्वार के दर्शन की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी सावन में या इस साल हरिद्वार आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचने के बाद होटल या धर्मशाला कहाँ पे लेना चाहिए, यहाँ पे घूमने का सही तरीका क्या रहता है, यहाँ पर किस टाइम घूमने आना चाहिए, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो दोस्तों ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले सभी भक्तों को हर हर महादेव, कमेंट बॉक्स में बम बम भोले जरूर लिखे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों यहाँ तक पहुँचने का सबसे सस्ता और अच्छा सफर रहता है ट्रेन का, जो की हर आपको प्रमुख शहर से डायरेक्ट ट्रेन यहाँ तक की मिल जाएगी। दोस्तों हरिद्वार के आसपास शहरों से बस की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, अगर आप चाहे तो बस के माध्यम से भी हरिद्वार तक आराम से पहुँच सकते हैं। दोस्तों आप अपनी खुद की कार से आने का प्लान कर रहे हैं तो ये भी अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि हरिद्वार में काफी सारी पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाएगी, आप वहाँ पे अपनी कार पार्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका प्लान बाई फ्लाइट आने का है तो आप देहरादून तक आ सकते हैं। देहरादून से हरिद्वार की दूरी 38 किलोमीटर की रह जाती है, जिसे आप बस या टैक्सी के माध्यम से आराम से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ट्रेन का प्यारा सा सफर पूरा करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं हरिद्वार में। अब हम लोग बात करते हैं होटल या धर्मशाला कहाँ पे लेना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो पूरे हरिद्वार में होटल या धर्मशाला कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा रेलवे स्टेशन के सामने या हर की पौड़ी रोड पर होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे धर्मशाला की रेट की बात की जाए तो नॉर्मली डेज में 500 से स्टार्टिंग हो जाती है, अभी सावन के कारण इसके रेट थोड़े हाई मिलेंगे। दोस्तों अगर होटल की रेट की बात करें, होटल आपको 1000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, फिर जैसा बजट आपको 5000-10000 तक होटल ले सकते हैं। दोस्तों हर की पौड़ी रोड पर आपको सावन के टाइम काफी ट्रैफिक मिल सकती है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप रेलवे स्टेशन के सामने ही होटल ले लें, जिससे आपको काफी ट्रैफिक का सामना करना ना पड़े। तो दोस्तों चलिए एक अच्छा सा होटल या धर्मशाला लेने के बाद कुछ देर आराम करेंगे, और अब हम लोग बात करते हैं आप यहाँ पे कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम लोग चलेंगे माँ गंगा के पावन जल में स्नान करने हर की पौड़ी पर, जो रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जो कि आप पैदल चढ़ के या फिर ई रिक्शा के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप ब्रह्म घाट या घंटाघर घाट पे स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर सावन में काफी भीड़ इकट्ठी होती है, तो आप अगर सावन में आ रहे हैं तो आपको काफी सारा भीड़ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों हर की पौड़ी पर स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है, यहाँ पर देश नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पे स्नान करने आते हैं। दोस्तों यहाँ पर शाम के 6 बजे दिव्य आरती का आयोजन भी किया जाता है, यहाँ पर आरती को देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठी होती है। तो आप अगर हरिद्वार घूमने के लिए आते हैं तो हर की पौड़ी पे आके दिव्य आरती में शामिल जरूर हुए। इस आरती में शामिल होके आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ पे अच्छे से स्नान और दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे माता मनसा देवी के दर्शन करने। दोस्तों माता रानी का ये प्यारा संबंध ऊपर पहाड़ी पे स्थित है, यहाँ पर जाने के लिए आप सीढ़ियों से जा सकते हैं या फिर आप रोपवे से भी जा सकते हैं। हर की पौड़ी से मात्र 200 मीटर की दूरी पे मनसा देवी मंदिर के पास जाने के लिए पैदल मार्ग बना हुआ है, अगर आप सीढ़ियां चढ़ सकते हैं तो सीढ़ियों से चले जाइए। दोस्तों पैदल मार्ग से कुछ ही दूरी पे रोपवे मार्ग भी बना हुआ है। दोस्तों मनसा देवी टेम्पल के लिए आपको रोपवे में 129 रुपए का चार्ज लिया जाता है, वहीं मनसा देवी और चंडी देवी दोनों के लिए 349 रुपए का चार्ज देना पड़ सकता है। दोस्तों प्यारा सा सफर पूरा करके आप माता देवी के मंदिर के पास पहुंचेंगे, माता रानी का दर्शन करेंगे। दोस्तों माता रानी आपकी सभी मनोकामना जरूर पूरा करें, बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर बना हुआ है, आपको यहाँ पे दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों मनसा देवी और चंडी देवी को दर्शन करने के बाद अब हम लोग नीचे आ जाएंगे। दोस्तों इन दोनों मंदिरों में दर्शन करने में आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग उन प्लेसेस को बात करते हैं जो यहाँ से कुछ दूरी पे स्थित है। दोस्तों उन प्लेसेस को घूमने के लिए आप ऑटो या ई रिक्शा को बुक कर सकते हैं। ऑटो या ई रिक्शा वाले आपसे 300 से 400 रुपए तक चार्ज करेंगे, जो कि 4 से 5 घंटे घुमाने के बाद आप कहेंगे जहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। दोस्तों ऑटो बुक करने के बाद सबसे पहले अब हम लोग चलेंगे पावन धाम शीश महल। दोस्तों इस शीश महल को छोटे छोटे टुकड़ों से पूरे मंदिर को बहुत ही शानदार बनाया गया है। दोस्तों ये बहुत ही अद्भुत स्थान है, आप यहाँ पे दर्शन करने जरूर आए, लगभग सारे टूरिस्ट यहाँ पे जरूर आते हैं। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही ज्यादा शांति और सुकून मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे शांति कुंज। दोस्तों ये आश्रम बहुत ही विशाल और भव्य बना हुआ है, ये प्यारा सा आश्रम गायत्री माता को समर्पित है। दोस्तों आप यहाँ पे चाहे तो निःशुल्क में भोजन भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे निःशुल्क में स्टे भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हिमालय भवन भी बना हुआ है, जहाँ पे हिमालय का प्यारा सा चित्रण भी किया गया है। दोस्तों आप यहाँ पे जरूर आइए, आपको यहाँ
यहाँ पे आके अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ पे अच्छे से घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने अगले स्थान पर। दोस्तों अपना अगला स्थान है माता वैष्णो देवी मंदिर। दोस्तों यहाँ पे गुफा के स्वरूप में माता रानी का प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, साथ ही साथ और भी देवी देवताओं का प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पे आके जरूर दर्शन करें। दोस्तों यहाँ पे अच्छे से घूमने और दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे भारत माता मंदिर। दोस्तों ये 7 मंजिला मंदिर हरिद्वार के प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिफ्ट के माध्यम से आप सबसे पहले 7वें मंजिल पर आ जाएंगे। हर तल में दर्शन करने के बाद में आप बारी बारी से नीचे आ जाएंगे। सबसे नीचे भारत माता का विशाल प्रतिमा स्थापित है, आप यहाँ पे दर्शन जरूर करें। दोस्तों इसके बाद अब हम लोग चलेंगे श्री राम मंदिर। दोस्तों ये मंदिर भी काफी अद्भुत और भव्य बना हुआ है, आप यहाँ पर भी आके दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी कई सारे मंदिर है जहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये थे हरिद्वार के कुछ प्रमुख मंदिर जहाँ पे आप आते हैं तो दर्शन करने जरूर जाइए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं आपको कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों आप हरिद्वार में एक नाइट का स्टे जरूर बनाएं, जिससे आप सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 days 1 night का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है। दोस्तों आपको यहाँ पे खाने पीने की कोई भी कमी नहीं मिलेगी, आप यहाँ पे अच्छे से खा पी भी सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की, आप कितने बजट में इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ आप 2 या 3 लोग तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 2 या 3 लोगों में आपका बजट डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों आप अगर 2 days 1 night का प्लान बनाते हैं तो आप 2500 से 3000 के बजट में अच्छे से इस प्यारी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इस बजट में आपका होटल, ट्रांसपोर्ट, फूड इंक्लूड है। अगर आपके पास बजट की कोई भी कमी नहीं है तो आप अपनी कार या प्राइवेट टैक्सी से आ सकते हैं, VIP होटल ले सकते हैं और फिर अपने हिसाब से टूर प्लान भी कर सकते हैं। अगर आप बजट ट्रेवलर हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से 2500 से 3000 के बजट में सभी प्लेसेस को आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर आप हरिद्वार घूमने के बाद ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो कुछ ही दिनों में ऋषिकेश की अगली वीडियो आएगी, आप हरिद्वार घूमने के बाद ऋषिकेश भी कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में हर छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें और अपनी फैमिली या रिलेटिव को भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको हर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए ऐसे ही अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।